All right, बच्चा पार्टी, नाउ विल स्टार्ट विद एमएम अप्रोच वगैरह पे हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे आज हम लिखने जा रहे हैं. लिखो बच्चा पार्टी, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन अप्रोच. मैंने पहले जब आपके साथ ये क्वेश्चंस किए थे तब हमने टैक्स को बोला था इग्नोर. अब हम बात करें अगर टैक्सेस आ जाएं, वी हैव डन फोर अप्रोचेस, उसमें से फर्स्ट टू अप्रोचेस मतलब फर्स्ट एंड थर्ड अप्रोच जो थी, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर इज नो चेंज. डू एज यू डू, सर मतलब अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा. डू एज यू डू, जैसे जैसे टैक्स आता रहे, जो आपने नॉर्मल मेरे साथ लिवरेज के चैप्टर में सीखा है आप वैसे ही करते रहना. द वे यू हैव लर्नड इट इन लिवरेज चैप्टर, आप मेरे साथ वैसे ही करते रहना. On net operating income and MM approach. On net in operating income and MM approach. So far so good. Yes sir. Okay. चलते हैं आगे. लिखते हैं बच्चों. Now when you talk about the effect of taxes and as far as NOI and MM approach is concerned, we have to do it the way it is given as per MM. उसको उसकी verification में नहीं जाना. Step one. Find out the value of UL का मतलब unlevered. Find out the value of unlevered firm. Unlevered firm की value कैसे निकालनी है आपको पता है. VF called value of firm is equal to EBIT, tax आ गया तो into one minus tax, tax. upon K. अब प्लीज ध्यान देना, मैंने लिख दिया क्यू ऑब्लिक के वाई. टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लिख देना चाहिए था के. उसका रीजन है बच्चों, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. सिमिलरली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बट अनलीवर्ड फर्म का मतलब क्या है, उसमें डेट नहीं है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल. जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ डेट ऐड करने की जरूरत नहीं होगी. मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो अनलीवर्ड फर्म का और टैक्सेस आ गए इन एनओआई अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है खत्म. और आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले ही मालूम है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. Thank you. Step two. But अगर आपको value of levered firm निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, value of firm is equal to value of unlevered firm plus, ये formula है बच्चों, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी derivation में नहीं जाना, borrowing multiplied with tax rate. So this is what we have to remember. Ki value of UL ka matlab bachcho main bata dun. This is value of UL called value of unlevered firm. So value of unlevered firm mein borrowings ko tax rate se multiply karke add kar do, aapka kaam khatam. So far so good. Yes sir. All right. So based on that, अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पुत्र.
इलस्ट्रेशन 8.1। ओके I'll read the question. Kita, find out the value of S limited and T limited using net income approach. जब वो कहता है S limited and T limited, उससे फर्क नहीं पड़ा। जब वो कहता है net income approach, मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। दिमाग के घोड़े क्या कहते हैं? KD and KE remains same. I repeat, KD. आप अपनी कॉपी खोल के बैठ सकते हैं और आप मुझे बताएंगे एंड में जो मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा। KD and KE remains constant. ये मेन चीज याद रखनी है। रिलेशनशिप क्या आया था, डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, इनवर्स है या नहीं, वो थ्योरी में लिखने के काम आएगा, इसलिए लिखवाया था। नाउ वी सेड केडी एंड के रिमेंस कांस्टेंट, तो ठीक है, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड हम चलते हैं आगे। एस एंड टी लिमिटेड आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट कंपनी एस यूजेस डेट व्हाइल कंपनी टू टी डज नॉट यूजेस डेट, यानी इट इज levered firm and it is unlevered. Thank you. The levered firm has rupees 9 lakh debentures carrying interest 10%. Okay. Both the firms have operating income, operating profit kiska dusra naam hota hai bachu? EBIT ka. Both the firms has operating profit yani EBIT on their total asset at the rate 20%. So can I say whether it is firm A or it is firm B? EBIT is same. Operating profit called EBIT is same. Then we have to subtract interest. 9 lakh debentures carrying interest at the rate 10% लिखा हुआ था ना पुत्र? Yes. और मैंने आपको क्या बोला था? टैक्स आने से NI अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, डू एज यू डू लिखा था ना बच्चों, डू एज यू डू, मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपना करते रहो। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स, एंड टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईबीटी। सो 2,10,000 का 3 लाख का 35 और ये कितना आ गया पुत्र? 2,10,000 into 35% 73,500। अभी हमारे पास क्या आ गया? ईट। और यही हमारा क्या बन गया? ईटिश। ईटिश मींस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। यस सर। अब मुझे क्या निकालना है पुत्र इस क्वेश्चन में? अगर हम देखें, देखो हमने बिना क्वेश्चन देखे इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया। कंप्यूट द वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी का आप अपनी कॉपी पे चेक करें, हमने फर्स्ट क्लास में लिखवाया था ईटिश अपॉन के। थैंक यू। और हमें बताया इस क्वेश्चन में के रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि NI अप्रोच है, और क्वेश्चन ने बोला भी था 15% ऑन ऑल इक्विटी शेयर्स। इट मींस ईटिश डिवाइडेड बाय 15% मींस 0.15। इसका क्या मतलब था? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन इट मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Cost of equity मतलब equity capital की cost, that is called capitalization rate. Equity capital की cost को हम बोल देते हैं बच्चों equity capitalization rate.
गड़बड़ हो रही है, 136,500 डिवाइडेड बाय 0.15, हाँ मैं कह रहा था ना गड़बड़ हो रही है, दिस इज 9,10,000, एंड दिस इज 13,00,000। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा पार्टी, वैल्यू ऑफ, और इसमें क्या ऐड करना है, वैल्यू ऑफ डेट। और सच्ची बात बताऊं संजय, yes, मुझे पहले से पता था इन केस ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही तो वैल्यू ऑफ फॉर्म होगी, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ डेट नहीं है भाई, हमारा वैल्यू हमारा वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। थैंक यू। सो फार सो गुड, लॉक कर दो, कर दिया। अब क्वेश्चन ने मान लो, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ने कहा यू ऑल्सो कैलकुलेट वॉट क्यू, लेट अस एज्यूम क्वेश्चन कहता है ऑल्सो कैलकुलेट नॉट ओनली दिस द वैल्यू, यू ऑल्सो कैलकुलेट वैक कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बड़ा आसान है, आप अपनी कॉपी खोलें, आपके पास फॉर्मूला लिखा है मैंने, ई बी आई टी इंटू वन माइनस टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म, ई बी आई टी, ई बी आई टी इंटू वन माइनस टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म, ई बी आई टी इंटू वन माइनस टैक्स, ये मैं क्यों निकलवा रहा हूँ अभी बता देता हूँ बेटा, ताकि मैं कुछ चीजें आपको रटवाता रहूँ साथ साथ, और मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया इंटू, सो दिस बिकम्स 1,95,000 डिवाइडेड बाय 18,10,10.77%, और आप वाले का आ गया 1,95,000 डिवाइडेड बाय 13, 15%। अक्षिता कहती है सर मुझे पता था 15 ही आएगा, बताओ क्यों, K remains constant और debt तो है नहीं, हाँ K remains constant, नहीं K remains constant नहीं, because there is no cost of debt, तो जो cost of equity है वही हमारी cost of capital है। अब बड़े प्यार से सुनना, जब आप unlevered से levered पे जा रहे हो तो your debt is increasing, भाई इसमें debt zero है, इसमें debt है ना, so when your debt increases your overall cost of capital decreases. तो आपने कॉपी पे लिखा था ना, विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड विद द वैल्यू ऑफ फर्म वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड हेंस प्रूव्ड। तो मैं ये दोनों बातें जो स्टार्टिंग की थ्योरी में मैंने आपको लिखवाया था प्रूव करना चाहता था। किसी को कोई शक? पक्की बात सर, हमने वैल्यू ऑफ डेट के लिए वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, वैल्यू ऑफ डेट के लिए फॉर्मूला लगा के क्या करूं, क्योंकि डेट की वैल्यू तो दे रखी है मेरा बेटा, अगर लगाएगा भी तो आंसर सेम आएगा मेरा बेटा, 90,000 डिवाइडेड बाय 10%। भाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, क्लियर बेटा मेरी बात? यस सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू Illustration 8.3, एंड में मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ 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 दिखा दूंगा ताकि आप उनकी फोटो फोटो लेना चाहे तो ले सकें, बट अभी हम सिर्फ ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पे। Illustration 8.3, Illustration 8.3, 8.3 की बात करते हैं पुत्र। Now this question says, यहाँ पे दे रखे बच्चों क्वेश्चन करे, नहीं वहीं पे खत्म हो गया, चलो गुड है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इट एम्प्लॉयज डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 1, 2, 3, यानी मुझे इस क्वेश्चन को कितनी बारी सॉल्व करना है, 3 बार। बट यार उसने ये नहीं बताया अक्षिता, उसने ये नहीं बताया मेरे दोस्त, वेदर आई हैव टू यूज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या MM अप्रोच।
और ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल अप्रोच, नारायण नारायण देख लेंगे ठीक है। अगर उसने नहीं भी बताया ना, अगर आप अपने फॉर्मूला याद रखोगे तो आप कर पाओगे। OI Limited belongs to risk class of 10% and expected EBIT of 4 lakh. EBIT is nothing but operating profit. Mera farz hai baar baar bol. It employs 8% debt in the capital structure. But mujhe ye nahi pata debt kitna. Iska matlab mujhe 20% ke liye bhi solve karna hai. Mujhe 35% के लिए भी सॉल्व करना है और मुझे 15. और तीनों केसेस के लिए माय ईबीआईटी विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अलग से तो उसने कुछ बताया नहीं बेटा। नाउ ऑफ द टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ 20 लाख, ओ आई गेट इट, सो कैन आई से बच्चा पार्टी द वैल्यू ऑफ डेट इन दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन 20 लाख का एंड डेट इज कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% लिख के छोड़ दिया। सेकंड केस में 20 लाख इंटू 8% 20 लाख इंटू 50 20 लाख इंटू 50%, so far so good, lock कर दूं? Yes sir. Alright, now भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक, EBIT मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है EBIT में से पहले मुझे क्या माइनस करना है? Interest. Interest. So 4 lakh का 8%, 7 lakh का 8%, 10 lakh का 8%, 8%। वो गाना सुना था, एक गाना था आमिर खान की पिक्चर का, क्या करे ओ क्या करे ओ कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ तो हम फंस चुके हैं और दूसरी तरफ फॉर्मूला हमें याद है, तो बताओ क्या करें यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, जल्दी बोलो। आई एम स्टक। अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो। सो फॉर्मूला देखते हैं, अब मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखो जानबूझ के कई बार ना मैं कुछ चीजें मिस करता हूँ बेटा, ताकि आप उसको मिस मत करना, नहीं तो बहुत गंदे वाला मिस हो जाएगा। ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, मेरी आदत है, मेरे बड़े पापा पढ़ाते थे, सकिया को तो मालूम है। फुल स्टॉप कॉमा एंड OI Limited belongs to a risk class of 10%. Sara, is 10% ka kya matlab hai? That's the catch. The moment you tell, this question is done. Pata bhi lag jayega kaun si approach ki baat ho rahi hai. So dead. Haan beta? Keyword form hai matlab. Nahi bachu, nahi. रिस्क तो बच्चों दोनों फॉर्म में ही होता है, चाहे लीवर फॉर्म हो चाहे अनलीवर्ड हो, बस एक में रिस्क ज्यादा होता है, एक में रिस्क कम होता है, एक में डेट ऑब्लिगेशन आ जाती है, एक में नहीं आती, तो दैट इज नॉट द केस। व्हेन यू से, मेरा बेटा सुनो, बिलोंग्स टू अ कंपनी, बिलोंग्स टू यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये क्या था, और उसने ये नहीं बोला 20% के लिए अलग, 35% के लिए अलग, 50% के लिए अलग। इट मींस इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज ऑन नेट, अरे बोलो ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पे उत्तर, कैन आई से दैट, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर।
तो ठीक है, अगर आपने बोला नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पे है, तो प्लीज अपनी कॉपी खोलो, वहां पे हमने लिखा था अंडर दिस अप्रोच केडी एंड केओ एंड हेंस द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम. मेरा क्वेश्चन खत्म. दिस इज द रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग द अप्रोच. सो कैन आई राइट मेरा बेटा वैल्यू ऑफ फर्म. कैन आई से दैट बेटा? बट इस क्वेश्चन में तो टैक्स नहीं. अब सुनो आपकी दूसरी गलती, मैं जान के गलती कर रहा था बेटा, प्लीज ध्यान देना बेटा. एनओआई अप्रोच में, एनओआई अप्रोच में अगर टैक्स आ जाएगा ना, तो आपको जो मैंने वो स्टेप्स लिखवाए हैं वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म, वो करने पड़ेंगे. ये नहीं कर सकते, तो प्लीज ये गलती मत करना. इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? यस. तो प्लीज, तो अप्रोचेस विद एंड विदाउट टैक्सेस, गंजा और गंजे के सर पे बाल. जब उसके सर पे बाल लग जाते हैं बोले तो टैक्स आ जाता है. आपको उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा. सो 4 लाख अपॉन 0.1 यानी 40 लाख. तो ये हमारा आ गया 40 लाख. अब आपको पता है ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गया और वैल्यू ऑफ डेट मुझे दिया हुआ है, तो गाइस क्या मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ? हाँ. क्या मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ? हाँ. क्योंकि जब तक मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट नहीं कर. फिर कैसे निकालोगे आप वैल्यू ऑफ इक्विटी? बेटा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो कैन आई से वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी. जैसे ही वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, आप अपनी कॉपी पे देखो बेटा, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इटेश डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. मुझे पता है आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इटेश अपॉन के ई, राइट? यस सर. बट के ई को ऊपर ले गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी को नीचे ले आया. सो वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर्मूला बिकम्स इटेश डिवाइडेड बाय के ई वैल्यू, सॉरी, इट इज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो आराम आराम से बात करते हैं बच्चों. हमारा इस क्वेश्चन में सुनना, सुनो बेटा, इट इज कितना है? सेम 3,68,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. 36 लाख In 200, 3,44,000 upon 33 lakh in 200, 3,20,000 upon 30 lakh in 200. जरा सॉल्व करते हैं क्या आंसर आ गया बेटा. 368 upon 36 lakh. 10.22. Yes बेटा, 10.22. दूसरे वाले का 10.42% और तीसरे वाले का 10.67%. सो फार सो गुड. लॉक कर दूं? यस सर. ऑलराइट नाउ, अब आप अपनी कॉपी खोल के देखो, एनओआई अप्रोच में क्या लिखा था. व्हेन केडी एंड केओ रिमेन्स कांस्टेंट एज द डेट इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आल्सो increases, showing a direct relationship. Why? Because debt is the cheapest source of finance. So all about this question, bachu, all about these two questions. Through these two questions, I tried developing net income approach and net operating income approach today. ऐसे हम आगे करते रहेंगे और करते रहेंगे.